घेरा सरकार का, देखे ये साहब ही में घेरा सरकार का। आखिरी शेर, एक शेर आपने उठा लिया है, मैं तो दुआ नहीं दूंगा इस तरीके की कि आपने मुझे उठाया, अल्लाह आपको उठा ले, ये नहीं। इतना दम है सब समझते हैं, या इस अंदाज में भी गुफ्तगू कर रहे थे मोहतरम शाह खालिद साहब के इमामत के पलट कर फिर हमारे दौर आएंगे, मुसल्ला तुम बिछाओगे नमाजें हम पढ़ाएंगे। इस अंदाज से भी आप हजरात से गुफ्तगू कर रहे थे कि मिसवाक करते देखा कुफार रन में भागे, जंगों में काम आई सुन्नत मेरे नबी की। मोहतरम शाह खालिद साहब, मैं आपको ढेर सारी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, आप अपने कलाम के जरिए इस मुशायरे के वक़ार में मजीद इजाफा फरमा रहे थे। अब आइए हाजरीन, कोई तमहीद नहीं, कोई तकरीर नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं लंबी चौड़ी तकरीर करके अपनी आकबत को जरा भी खतरे में नहीं डालना चाहता। आप हजरात ने शुरू से अब तक जिस शायर के लिए अपना वक्त वक्त कर दिया, आइए हाजरीन उस शायर के हुजूर पहुंचा जाए। हाजरीन, शायर कहता है, शायर कहता है कि सरकार के हिजरत की खबर जो ही पा गई, अरे जन्नत कनीज बन के मदीने में आ गई, और मलमल के हाथ कहती थी ये सारी दाइयां, अरे रहमत तो सब हलीमा के हिस्से में आ गई। हाजरीन ग्रामी, एक शख्स नहीं, एक शख्सियत, एक फर्द नहीं, एक इंफरादियत, एक सलीका, एक शऊर, एक नफासत, एक पैकर। मोहतरम हजरत दिल खैराबादी, मैं इस वक्त आपसे इल्तमास कर रहा क्या आप तशरीफ लाए, शराफत नफ्स की बेनजीर मिसाल। सिर्फ मैं आपके लिए इतना ही कह सकता हूँ कि वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, अरे मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए, और नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, अरे नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। मैं मोहतरम हजरत दिल खैराबादी आपसे इल्तमास कर रहा हूँ क्या आप तशरीफ लाए और कलामे बलागत से हम सामईन को नवाजे। हेलो, मोहतरम हजरात, तकरीबन 16 या 17 घंटे से मैं तकरीबन 6.5 सवारी बदल करके आपके जहानागंज में आया हूँ। एक उसमें ऑटो थे और मुसलसल शब्बेदारी जलसे बेशुमार हो रहे हैं, हर दिन कहीं न कहीं हमें जाना पड़ता है, पूरी थकन लपेट कर जहानागंज के नौजवानों को मैंने तारीख दी थी, बाबू आजमी इस बात की शहादत पेश करेंगे। बस वादा वफा के लिए मैं हाजिर हो गया कि ऐसा ना हो कि मैं न आऊं और लोगों को शिकवा रहे कि दिल खैराबादी ने धोखा दे दिया। जाहिर सी बात है कि आप शाम से अब तक बिल्कुल सुन सुन कर बिल्कुल पक से गए हैं, जबान से सुभान अल्लाह की सदा आपकी यहाँ तक नहीं आ रही है। हर शायर जीरो पे आउट होकर के जाना चाह रहा था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि नाज़िम जलसा और स्टेज वाले और कुछ नींद में बच्चे इनको बेदार कर रहे थे। मैं गुजारिश करूंगा आप तमामी हजरात से कि अभी तक बैठे हुए हैं, चार मिसरे में हाजिर करूंगा बिल्कुल ताज़ा तरीन इंशाअल्लाह। अभी आपके सामने शाह खालिद साहब पढ़ रहे थे, शमशेर जहानागंज जी गायब हो गए, कहीं चले गए बेचारे। जाहिर सी बात है कि
कोई कुछ जरूरत रही होगी, बस इतनी सी गुजारिश करूंगा। बिल्कुल थकन में मैं पढ़ना चाहता हूं मिसरा, जमील अख्तर की खूबसूरत निजामत। ऐसे ऐसे इन्होंने शेर सुनाए, मैं तो परेशान था कि कितनी खूबसूरत निजामत के जरिए आप तक ये शोरा को पेश कर रहे हैं। आइए चार मिसरे बिल्कुल ताजा तरीन हाजिर करता हूँ फलस्तीन के हवाले से। सारे हिंदुस्तान में इस वक्त तमाम शोरा ने तबाजमाई की है। चार मिसरे हाजिर करता हूँ, इसमें कोई फलस्तीन का नाम नहीं आएगा, मगर हमारा जो अकीदा है। एक मतला हाजिर करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग वाह वाह करिएगा तो इंशाल्लाह दिल खैराबादी की आह जो है थोड़ा सा तब्दील हो जाएगी। चांद साहब और धड़कन नहीं लेता कि दो हो जाते हैं आप लोग। मतला पेश करता हूँ, सुनिएगा। फिर मुसलमान, फिर मुसलमान। डॉक्टर साहब आपसे दुआएं चाहूंगा, आप आ जाएंगे यहाँ तो मजा आ जाएगा। सुनेगा कि फिर मुसलमान, फिर मुसलमान, फिर मुसलमान को जो हो जाए कि फिर मुसलमान, फिर मुसलमान को जो मसीह जीते अक्सा दे दे, फिर मुसलमान, फिर मुसलमान को जो जनाबे अली अंसारी साहब, इस शेर पे खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, किसी काबिल ये शेर हो गया। ये हाथों में मोबाइल जो नई नस्ल ली है उनके लिए खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, इस शेर पे अमल कीजिएगा। के या इलाही,
बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। माशाल्लाह, देखिए ये बुजुर्ग शख्सियत ने मुझे माला पहना करके मुझे माला माल कर दिया। अब ये शेर सुनिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा कि आज की नस्ल के जिन हाथ में मोबाइल है, तमाम मदरसे के बच्चे हैं शरीक हो जाएं, मजा आ जाएगा, चार चांद लग जाएगा। फिर मुसलमान को जो मस्जिद अक्सा दे दे, या इलाही कोई खताब का बेटा दे दे। आज की नस्ल के जिन हाथों में मोबाइल है, तू उसी हाथ में इस्लाम का झंडा, उसी हाथ में इस्लाम का झंडा दे दे। अल्लाह अल्लाह, जज़ाकअल्लाह। ये है हमारा जहानागंज, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जहानागंज। आज के इस दौर में किसी भी इलाके में एक महीने के अंदर दो मुशायरे नहीं होते, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। ये जहानागंज का मिजाज है, जहानागंज का शौक है कि बार बार नाते नबी शुरा आकर के सुनाए। हम अपना कीमती सरमाया उन पे सर्व करेंगे। जज़ाकअल्लाह, माशाल्लाह। और लेके आओ बाबू, जितना जल्दी लेकर के आओ। मुलाहिजा फरमा ले, फिर मुसलमान को जो बस जीते अक्सा दे दे, या इलाही कोई खताब का बेटा दे दे। अब ये मेरा मिसरा मुस्तनद हो गया, इसलिए कि मोहरे अली अंसारी लग गई है। फिर शेर हाजिर करता हूँ, जरा एक बार पूरा डिस्टर्ब मुझे मेरे खैराबाद के हैं वहाँ, और डिस्टर्ब वही हो रहा है, इसलिए डिस्टर्ब अंग्रेजी बोला हूँ, कुछ लोग समझ नहीं पाते और मैं समझदार हूँ। जरा अगर समझ गया तो दोनों हाथों को उठा के कहते सुभान अल्लाह। भैया उनका हाथ है तो आपके पास हाथ है ना? हाथ नहीं है, पूरा मन में हाथ उठा करके कहे सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ कि आज की नस्ल के जिन हाथों में मोबाइल है, आज की नस्ल के जिन हाथों में मोबाइल है, आज की नस्ल के जिन हाथों में मोबाइल, तू उसी हाथ में इस्लाम का झंडा दे दे, तू उसी हाथ में इस्लाम का झंडा दे दे, तू उसी हाथ में। बहुत शुक्रिया। अब मुझे यकीन हो गया कि माशाल्लाह, देखिए मैं पहचान रहा हूँ, एक एक चेहरे को देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम ले लूंगा तो उनका नाम हो जाएगा,
लिए उनका नाम नहीं लूंगा कि कौन जा रहा है। पेश करता हूं, जिन्हें जाना है वो बिल्कुल शौक से जा सकता है, इसलिए कि कितना सुनेंगे जाहिर सी बात है, मगर जो बैठे हैं वो अपनी जिंदा दिली का सबूत पेश करते हुए ये एक मतला पेश करता हूं। अगर आपने नवाज दिया तो इंशाल्लाह आगे इस मतले को पढ़ूंगा। जमील अख्तर जैदपुरी, एक इल्मी कस्बे से ताल्लुक रखने वाला ये अजीम नाज़िर, मुलाहिजा फरमाने कि मदीने का हो बुलबुलिया। अरे बोल दे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे वाले एकदम अगली सबको चीरते फाड़ते दाद अपनी पहुंचा रहे हैं। मुलाहिजा फरमाने कि मदीने का हो बुलबुलिया, मदीने का हो बुलबुलिया, कबूतर भूल जाता हो मदीने का हो बुलबुलिया, मदीने का हो बुलबुलिया, कबूतर भूल जाता हो मदीने का हो बुलबुलिया, तो पर भूल जाता हूँ नबी के इश्क में उड़ता। माशाल्लाह तैयार हो गया ये मजमा, ये मजमा तैयार हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल आसाम के बगल में सिल्लीगुड़ी है, सिल्लीगुड़ी में मैं नाते पाक पढ़ रहा था। खुदा की कसम ये मीडिया वालों की वजह से वो जलसा इतना बर्बाद हो रहा था, मैंने फौरन मीडिया वालों को हटाया। हटाने के बाद वही सामईन, ऐसा लगा कि ये मीडिया वाले उनकी जबान को बंद किए थे। मगर बहुत शुक्रिया, आपने लाज रख ली है। पेश करता हूँ लहजा फरमाने कि मदीने का हो बुलबुलिया, कबूतर भूल जाता हूँ। ये शेर देखिएगा कि मेरी सांसें मदीने की, मेरी सांसें मदीने की हवा से बात करती है, मेरी सांसें मदीने की, मेरी सांसें मदीने की हवा से बात करती है, नेटवर्क और मोबाइल का नंबर भूल जाता हूँ, नेटवर्क और मोबाइल, नेटवर्क और मोबाइल का नंबर भूल जाता हूँ। जहानागंज के तमाम कमेटी वालों माशाल्लाह, देखिए ये मेरा खैराबाद है, सबको पहचान लीजिएगा, ये सब मेरे खैराबाद के हैं। किसी का मैं दादा लगता हूँ, किसी का बड़के अब्बा लगता हूँ, किसी का चचा लगता है। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया भाई, जरूरी नहीं है कि सब इनाम लेकर के आए, आप भी उसी 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 कटघरी के हैं कि आपने हौसला अफजाई की है। माशाल्लाह अब शेर सुनिएगा, नेटवर्क मोबाइल का नंबर भूल जाता हूँ, सुनिएगा कि न पूछो आलम दीवानगी शहरे मदीना में, न पूछो आलम दीवानगी शहरे
पूछो आलमे दीवानगी, न पूछो आलमे दीवानगी शहरे मदीना में। नबी के दर, नबी के दर पे दिल रखता हूँ, रख कर भूला देखिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए हर पे रवि रे फूल जाता हूँ रदीप, और नाप नाते बाग में क्या खूबसूरती से काम कर रही है, यही कमाल है हाजरीन मोहतरम दिल खैराबादी का। माशाल्लाह जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह। ये देखिए एक तरफ खैराबाद, दूसरी तरफ जहानागंज, तीसरी तरफ पूरा दुल्हन, चौथी तरफ वलीदपुर, पांचवी तरफ भीरा। भीरा का नाम किसी ने नहीं लिया था, और मुझे भीरा वालों से बेपनाह मोहब्बत इसलिए है कि मेरे दोस्त अब्दुल बारी साहब का खूबसूरत सा रिश्ता है। बहुत शुक्रिया, अब तैयार हो जाइएगा और ये शेर नदी के उस पार लेकर के जाइएगा। मोहब्बत से बंबा बोलते सुभान अल्लाह कि नबी के, नबी के, नबी के दर पे दिल रखता हूँ, रख कर जाता हूँ। सुनिएगा कि नबी का बोरिया कच्चा मकान जब याद आता है, नबी का बोरिया कच्चा, नबी का बोरिया कच्चा मकान जब याद आता है, महल की जिंदगी मखमल, महल की जिंदगी मखमल का बिस्तर भूल जाता हूँ, महल की जिंदगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया कहना भाई। वाह वारे जहानागंज वालों, हर गांव का नाम लिया, दो तीन गांव रुक गया था, कोपागंज कहूं, पूरा कहूं, और मेरा खास मोहम्मदाबाद। माशाल्लाह जहीरुद्दीन भाई, ये जहीरुद्दीन का लड़का है, जहानागंज का नवासा है, जहीरुद्दीन उर्फ लाखों भाई, ये बहुत अजीज है माशाल्लाह। के महल की जिंदगी मखमल का बिस्तर फूल जाता हूँ, बहुत शुक्रिया जजाक अल्लाह। देखिए मैं नाम तो नहीं जानता हजरत का, मगर क्या क्या शेर आपने कोट करके रखा है अपने दिल की डायरी में, उस डायरी तक दिल खैराबादी पहुंचेगा इंशाल्लाह। आइए मक्के में शरीक करता हूं, पूरी उम्मत मुहम्मदिया से दरखास्त करता हूं कि मेरे मतले का इस्तकबाल दिल से कीजिएगा। वो शाह खालिद हो, चाहे अली अंसारी साहब हो, चाहे जाहिद धड़कन हो, चाहे जमील अख्तर साहब हो, चाहे कमेटी के एक एक नूरे आलम से लेकर तमाम बच्चों का तो नाम नहीं जानता, बस नूरे आलम बोल दिया, ये तमाम पूरे आलम में नूर की तरीके से चमक रहे हैं। शेर सुनिएगा लहजा फरमा, भूल जाता हूँ मक्का जमील भाई कि मेरे आका मुझे ऐ दिल, मेरे आका मुझे ऐ दिल बराबर याद करते हैं। वो तो नबी के नाम का सुभान अल्लाह। बाबू मीडिया, बाबू मीडिया लाइव चला रहे हैं, जरा लाइव घुमा करके भी दिखला दीजिएगा कि रात के आखिरी पहर में भी जहानागंज के इस खूबसूरत दस्तरखान पर दिल खैराबादी इसकी चीज गजा हाजिर कर रहा है। मुलाहिदा फरमाले, मेरे आका मुझे दिल बराबर याद करते हैं,
बड़ा बरियाद करते हैं, बड़ा बरियाद करते हैं। मैं बेपरवाह हूँ, मैं बेपरवाह हूँ, कितना मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मैं बेपरवाह। अरे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना भाई। माशाल्लाह, मोहम्मद जाहिद बावर्ची ये आ गया एक हिंदुस्तान में। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं पढ़ूंगा आज तो इतना पढ़ूंगा कि इंशाल्लाह ये मजमा खुद बखुद कहेगा कि दिल भाई आप बैठ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी, हमारा ड्राइवर नहीं मिल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर एक बात कहूँ, खुदा की कसम आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना है। फिर एक बार आपका दिल से दिल खैराबादी शुक्रिया अदा करता है। अली मंसारी ने कहा कि दिल खैराबादी एक बार और मक्के को पढ़ दिया जाए, अगर इजाजत हो आपकी तो पढ़ दो मक्ता फिर। सुभान, और मक्ता हर शायर को इसलिए पढ़ना चाहिए कि चोरिस्तान में उस्ताद चोरा की बहुत ज्यादा तादाद हो गई है, इसलिए पढ़ना चाहिए। मुलाहिजा फरमा ले कि मेरे सरकार तो हर वक्त मुझको याद करते हैं, मेरे आका मुझे बराबर याद करते हैं। मैं बेपरवाह हूँ कितना उनको अक्सर भूल है। नौजवानों, आज लग रहा है कि दम निकाल के मानोगे। एक मतलब एक शेर इतना गर्म है कि अभी उसकी भाप कायदे से मुझे भी नहीं लगी है। आइए, आपने जब सुनने का मूड बना दिया है, ये तमाम गुलामाने मुस्तफा अगली सब में जहानागंज के ये बच्चे हैं, सबको शरीक करता हूँ। जिन्हें जाना होगा वो बिल्कुल जा सकता है, कोई शिकवा शिकायत नहीं। मगर कमेटी के लोग आप बहुत शुक्रिया। वो सुनिएगा बाबू, एकदम नया तर्ज। तमाम चोरों के कान इस वक्त हिंदुस्तान के जितने गुलूकार होंगे उनके चोरों के कान से ये दिल तक पहुंचेगा। मिश्रा मुलाहिजा फरमा ले कि जो दीवाना है, जो दीवाना है। एक मतला एक शेर पढ़ूंगा फिर इंशाल्लाह 25 तारीख को अदरी में, 25 नवंबर को अदरी में आप तमाम हजरात से गुजारिश है शिरकत फरमा करके उस प्रोग्राम को कामयाब कराइएगा। कि जो दीवाना है, दीवाना है, दीवाना है। जब मैं इशारा करूं तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। कि जो दीवाना है, जो दीवाना है, वो चांदी न सोना मांगता है। सुनिएगा धुन। कि जो दीवाना है, जो दीवाना है, जो दीवाना है, वो चांदी न सोना मांगता है। जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है। जो दीवाना है, जो दीवाना है, वो चांदी न सोना मांगता है। जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है। रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की चौखट का वो होना अल्लाह की। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जनाबे दिल खैराबादी। आप जितना माला पहनाएंगे तादा माशाल्लाह, देखिए रियाल माशाल्लाह, रियाल माशाल्लाह, क्या बात है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये कलाम चलेगा इंशाल्लाह, जहानागंज वालों आपकी मोहब्बत की मोहर लग गई है इंशाल्लाह, इसको पूरे जज्बे के साथ हिंदुस्तान में पढ़ूंगा। मुलाहिदा फरमा रहे, सोना मांगता है जो दीवाना है वो चांदी, सोना मांगता है न सोना मांगता है जो दीवाना है। रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह की चौखट कहूँ ना मांगता है रसूल अल्लाह। अब ये शेर तादाद में बहुत है, आइए सबको शरीक करता हूँ और इस मिसरे को अपने दिल के उस जगह पे रखिएगा, इसलिए बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज निकल करके आ रहा है शायरी में। मुलाहिदा फरमाले, कमेटी वालों तैयार रहना, दिल खैराबादी का ये मिसरा कि कुतुब मीनार कुतुब मीनार जाहिद जाहिद बाबू ये शेर पर दम तोड़ देगा शायर, खुदा की कसम कलम तोड़ रहा है अभी। मुलाहिदा फरमाले कि कुतुब मीनार कुतुब मीनार और बुर्जे खलीफा से निकल कर तैयार रहना, कुतुब मीनार कुतुब मीनार और बुर्जे खलीफा से निकल कर खलीफा से निकल कर कुतुब मीनार कबूतर गुम कबूतर गुम पदे खजरा का हो नामा, पदे खजरा का हो नामा सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जल्दी 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 ये सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। देखिए राशिद जमाल का भतीजा माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठ जा बेटा बैठ जा, ऐसा बैठ जाओ कि कभी बैठे ही नहीं थे, बहुत शुक्रिया इस कल भाई शमीम भाई। कौन शिकायत कर रहा था यार माइक की, बहुत अच्छा माइक है खुदा की कसम, बहुत शुक्रिया। अब आइए फरमाइशी कलाम तक मैं पहुंच रहा हूं, ये कमेटी के दोस्तों का हुक्म है बिस्लेरी का माशाल्लाह, हाजी अबू तलहा अल्लाह जज़ाए खैर दे। आइए एक मिसरा एक मतलब पढ़ता हूँ नमाजी के बारे में, नमाजियों की फजीलत अशार में अक्सर मेरे आती है मगर मैं खुद नमाजों से कोसों दूर रहता हूँ। अल्लाह ताला सबसे पहले मेरे शेर पे मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और फिर आपको सुनिएगा कि वजू की तहारत वजू की तहारत ये हल्का आप नहीं जाएंगे मुबारकपुर पूरा दुल्हन यार पूरा दुल्हन के लिए मैं पूरी रात खुदा की कसम जलसे में पड़ा रह गया, क्या आप चंद लम्हे के लिए नहीं रहेंगे, जरा एक बार मुबारकपुरियों के लिए कह दे सुभान अल्लाह, तैयार रहिएगा पूरा दुल्हन वालों। ये खुदा की कसम जो मिसरा है कोई दुल्हन का वजन कीजिएगा, ये मिसरे का पल्ला भारी रहेगा, तमाम दुल्हन कुर्बान कर दो ये मिसरे पर कि वजू की तहारत न हरगिज मिटेगी, बोले ना के सुभान अल्लाह कि वजू की तहारत न हरगिज मिटेगी, इबादत का जलवा झलकता रहेगा इबादत का जलवा झलकता रहेगा, वजू की तहारत न हरगिज मिटेगी,
बादर का जलवा झलकता रहेगा वज़ू की रहेगा सफर जिंदगी का हो यारो दे महेश नमाजी का चेहरा चमकता रहे नारे तकबीर नारे तकबीर जनाबे दिल खैराबादी अरे जिंदाबाद माशाल्लाह 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 बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह जल्दी जल्दी मुझे पढ़ने दीजिए अच्छा अच्छा चलो बेटा जितना हो इतना माला डाल दो कि पब्लिक नीचे से भागने शुरू कर दे और मैं सर नीचा ही करूं शुक्रिया जज़ाकअल्लाह ये आखिरी वक्त में माशाल्लाह माशाल्लाह दुनिया लाइव देख रही है तमाम बाबू मीडिया वाले चला रहे हैं और दिल खैराबादी पेज पर भी आप लाइव देख रहे होंगे पेज देखिए मैं पढ़ दूंगा आप बेफिक्र रहिए बस बस आप लोग बैठे मैं कितना शुक्रिया मदरसा मंबाउल उलूम खैराबाद के वो तमाम बच्चे अभी तक बैठे हैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हाफिज फुरकान साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमा है फरान साहब मुलाजा फरमा ले नमाजी का चेहरा चमकता रहेगा एक शेर हाजिर करता हूँ फिर उसके बाद जो आपकी फरमाइश है इंशाल्लाह उसे हाजिर करूंगा आता है तवज्जो चाहूंगा आता हो नमाजी का चेहरा चमकता रहेगा कि शहीदीन की शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी मदीना सदा राजधानी रहेगी शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी मदीना सदा राजधानी रहेगी शहीदीन दिन की हुक्मरानी रहेगी मदीना सदा राजधानी रहेगी लगाए दबा पे कोई नाक बंदिश लगाए दबा पे कोई नाक ताला मदीने का बुलबुल चहकता अरे वाह 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 मदीने का बुलबुल चहकता रहेगा मदीने का बुलबुल चहकता रहेगा मदीने का बुलबुल चहकता रहेगा बहुत शुक्रिया ये आपकी फरमाइश थी और फिर कभी इंशाअल्लाह शेर में पढ़ दूंगा ये आखिरी वक्त जो है मैं इसे अक्सर कहता हूँ मुशायरों में कि ये उर्दू की पुल से रात से शायर ऐसा लग रहा है गुजर रहा है उर्दू जबान और आज की नई नस्ल को इतनी चार बजे रात को समझ लीजिए कि उर्दू की पुल से रात पर से शायर पार होता है मैं नहीं पढ़ा था अच्छा ये बात सुन लीजिए नाम क्या है आपका गुफरान गुफरान भाई ने कहा कि आपने कोई पाकिस्तान की नात पढ़ी थी तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान की नात पढ़ने वाले वो चोर शोरा हैं मैं छोटा सा शायर हूँ मेरी नकल पाकिस्तानियों ने की है
मैं इतना बतला दूं, पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तानियों ने की है, कुछ बेवफा शुरा थे, मगर एक उसमें हाफिज शहजाद जफर वाकई में वो नाम खान बार बार जी चाहता है कि जबान पर उस हाफिज कुरान का मैं नाम लेता रहूं। उसने नाते पाक मेरी पढ़ करके नाते पाक का ये तरन्नुम और इस नाते पाक को उस मकाम तक पहुंचाया है। अल्लाह ताला हाफिज शहजाद जफर की उम्र में बरकत अता फरमाए। अभी कल मैं पढ़ रहा था, शहजाद जफर की ख्वाहिश थी कि दिल साहब से मेरी बात हो जाए, सलाम दुआ हो जाए, मगर मैंने कहा कि नहीं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मैं किसी दूसरे मुल्क के आदमी से बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा कि आज मीडिया का दौर है, न जाने मेरे पेज पर और बाबू भाई के पेज पर न जाने कितने पाकिस्तान के फॉलोवर मेरे हैं। बहुत चाहते हैं कि दिल खैराबादी से किसी तरीके से बात हो जाए, मगर मैं परहेज करता हूं, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं और एक अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं कि उलमा इकराम की जिसको दिल की दुआ लगी है उसमें से ये हकीर बंदा नाचीज दिल खैराबादी है। इसलिए मैं डरता हूँ, मगर आपने जब ख्वाहिश जाहिर की है तो वो नाते पाक का मतला इसके पहले आया था, पढ़ा था, वो जरूर पढ़ूंगा। मगर जितने लोग मदीना जाने की आरजू रखते हैं, जरा एक बार हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब तीन शेर इसमें तीन मिनट का आएगा और ये तीन पहर तक आप इंशाअल्लाह इसको महसूस करेंगे। पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। तमाम मदीने के राहियों की नजर अली अंसारी साहब और तमाम दोस्तों की नजर, मुलाहिज़ा फरमा लें कि कैसे 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 आहा। ये बच्चे बोल नहीं रहे हैं, बाबू डरो मत, मदीना इंशाल्लाह जो गए हैं उनके हवाले से पढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह हम लोग मदीना जाएंगे, जाएंगे ना, आप लोग सुभान अल्लाह कहिएगा, जहाँ मैं इशारा कर दूँ आपकी सुभान अल्लाह इशारे में तब्दील हो जाए कि कैसे 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 मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, अब मदीने से जाना नहीं चाहता, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे अब मदीने से जाना नहीं चाहता, कैसे 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 मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, अब मदीने से कौन है, कौन है रहमतों की जो बरसात में जिंदगी बरना नहीं चाहता, अरे वाह, रहमतों की जो बरसात में जिंदगी बरनाना नहीं चाहता, कैसे कैसे। माशाल्लाह तैयार हो गए हैं, दिल खैराबादी एक शेर हाजिर करता है, वो खैराबाद के हो, चाहे जहानागंज के हो, चाहे पूरा दुल्हन मुबारकपुर के हो, चाहे मोहम्मदाबाद के हो, चाहे पूरा मारूफ के हो, चाहे भीरा के हो, चाहे वलीदपुर के हो, सबको शरीक करता हूँ, पूरा मन मन लहक के कह दे सुभान अल्लाह नहीं चाहता के आबे जमजम, आबे जमजम के आबे जमजम मुझको पिछले रिपोर्टल की हसरत नहीं, माशाल्लाह के आबे जमजम की दो घोटी ही है बहुत,
बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं है, मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं, मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरुषकम, मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरुषकम, होटलों का मैं खाना नहीं चाहता, मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरुषकम, होटलों का मैं क्या जज्बात है भाई, सुभान अल्लाह। एक शेर और जो हकीकतन उलमा इकराम अगर कोई मेरे जानने पहचानने वाले आलिम दीन रहते तो मैं उनकी नज़र कर देता, या शमसी जहाना गंजी अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, वो कलमकार अगर रहते तो मैं उनकी नजर शेयर करता, मगर वो नहीं है। आज के दौर में एक नाम मेरे ज़हन में फिर उभर करके आता है, ये सरजमीन हजरत मौलाना आरिफ साहब नव्वर अल्लाह मरकदहु, एक ऐसी शख्सियत खुदा की कसम जहाना गंज में सदियों गुजर जाए दूसरा आरिफ जल्दी पैदा नहीं होगा, वो अजीम शख्सियत अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, हमें खुसूसन उलमा इकराम की खास तौर पे हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब दामत बरकातहू उनकी खिदमत कीजिए, आने वाले कल का वो मौलाना आरिफ पैदा हो रहा है। एक शेर हाजिर करता हूँ, तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमा ले, खाना नहीं चाहता के छोड़ दो, धड़कन भाई के छोड़ दो मुझको तन्हा खुदा के लिए, छोड़ दो मुझको तन्हा खुदा के लिए, हाल क्या है मेरे दिल का मत पूछिए, छोड़ दो मुझे तन्हा खुदा के लिए, हाल क्या है मेरे दिल का मत पूछिए, मुस्तफा के सिवा मैं किसी और को, मुस्तफा के सिवा मैं किसी और को दिल का दुखड़ा सुनाना नहीं चाहता, मुस्तफा के सिवा मैं किसी और को दिल का दुखड़ा सुनाना नहीं चाहता, अरे वाह, सिवा मैं किसी और को दिल का दुखड़ा सुनाना नहीं चाहता, दिल का दुखड़ा सुनाना नहीं चाहता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आखिर में ये तमाम लोगों की फरमाइश हो चुकी है, कमेटी के नूर आलम किसका नाम, माशाल्लाह नूर आलम जो आज की इस नई कमेटी ने चुन करके उसे कन्वीनरशिप बनाया है, कन्वीनर बनाया है, मैं तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चों तुम्हारा नाम याद नहीं है मगर तुम नूर आलम को शरीक कर लो, पूरे लोगों तक मैं मतला और एक शेर पहुँचाता हूँ, सुनिएगा, जिसको पाकिस्तान के एक नाथखा ने इस तरन्नुम का वजन बढ़ा दिया, शेर वही है मगर तरन्नुम में आपको हिंदुस्तानी चाशनी नजर आएगी, पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमा ले, अब तैयार हो जाना, खैराबाद के वो बच्चों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कहीं भी प्रोग्राम रहता है ये तमाम बच्चे अपने दिल खैराबादी अपने बच्चे के अपने गांव के इज्जत बचाने के लिए, ये बच्चे अगर पूरा जहानागंज चला जाता तो ये चंद बच्चे रह जाते हैं, और जहानागंज क्यों जाएगा भाई, कुछ लोग कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका घर बंद है वो जबरदस्ती बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है, मगर अगर जबरदस्ती नहीं बैठे हैं तो आप लोग इस मसले में शरीक हो जाइएगा, सुनिएगा, कि परवरदिगार, परवर, अब सुनिए, ठीक है ना बाबू, जोर से सुभान अल्लाह कहना है, है ना, कुछ चला के मत मारना बेटा, है ना, कुछ चला के मारना नहीं है, बस जोर से सुभान अल्लाह चला करके मुझको दो,
है ना, इतनी जोर से चलाओ कि रफ्तार हो जाए। पेश करता हूं कि परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे, रस्ता सरकार का। परवरदिगार, परवरदिगार देखे, रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे, रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे, रस्ता सरकार का। रूहुल अमीन चूमे, रूहुल अमीन चूमे, तलवा सरकार का। रूहुल नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैंने मतला पढ़ा और मतले में सानी मिसरे की जगह तमाम लोग खड़े होकर के मिसरे पर लग गए। माशाल्लाह, आप खड़े होकर के नहीं बैठेंगे, नहीं है, अब नहीं बैठे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए ये रख लो। अब ममता हाजिर करता हूँ, तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? एक बार पूरा मजमा जोर से कह दे, सुभान अल्लाह। तलवा सरकार का, के दिल की तकदीर की भी बोलेंगे, के दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो। दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। देखे ये ख्वाब ही में, देखे ये ख्वाब ही में, चेहरा सरकार के ये ख्वाब। बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखे ये ख्वाब ही में चेहरा सरकार का, देखे ये ख्वाब ही में चेहरा सरकार का। आखिरी शेर, एक शेर आपने उठा लिया है। बहरहाल मैं तो दुआ नहीं दूंगा इस तरीके की कि आपने मुझे उठाया, अल्लाह आपको उठा ले, ये नहीं कहूंगा। अल्लाह ताला आप लोगों को तकवीयत बख्शे। आखिरी शेर बच्चियों के हवाले से पेश करता हूँ, मुलाहिदा फरमा ले। रुतबा सरकार का, रुतबा सरकार का। सुनिए सुनिए, बस 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 बस। अब हजरात, मक्ता मैंने पढ़ लिया है, इंशाल्लाह फिर इसके बाद कोई शेर पढ़ूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।